बहुत शुक्रिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जनाब स्पीकर, बहुत शुक्रिया आपका। जनाब स्पीकर, दो बड़े अहम मसाइल आपके सामने रखना चाहता हूँ। सरगोधा में हमारे बहुत सारे साथियों के खिलाफ एंटी टेररिज्म कोर्ट्स में पर्चे हुए हैं, बशमूल मेरे। वहाँ पे जनाब स्पीकर हमारे साथियों को जेल से रिहा किया जा रहा है और वो लोग रिहा होके बाहर आ रहे हैं, तो वहाँ पे उनको उड़न तश्तरियाँ लैंड हो रही हैं और खलाई मखलूक कोई आ रही है सर, या पता नहीं कौन आ रहा है, और उनको फिर रीअरेस्ट करके लेके जा रहे हैं। जनाब स्पीकर, ये यहाँ पे इस मुल्क में क्या हो रहा है? हमारी तलबा आई, हमारी बेटियाँ आए, हमारे सारे लोग आ रहे हैं, ये क्या जमहूरियत है इस मुल्क में कि आपको बगैर पर्चे के जेल से बाहर आए, चार कदम लेके जाएं और फिर आपको किसी बगैर किसी पर्चे के आपको उठाया जाए, क्योंकि आपका ताल्लुक एक सियासी पार्टी जिसका नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, उससे आपका ताल्लुक है, ये आपका जुर्म है। दूसरी अहम बात जनाब स्पीकर, और मैं चाहूंगा जनाब स्पीकर, यहाँ पे हमारे लॉयर भी हैं, हमारे MNA शफकत साहब, उनको भी टाइम दिया जाए, वो इस पर बात करेंगे, वो उनको रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं इत्तेफाक से। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जनाब स्पीकर, मैं एक बार फिर इस हाउस की इंफॉर्मेशन के लिए स्टेट की डेफिनेशन, ये चौथी बार मैं पढ़ के इस हाउस में बता रहा हूं, Article 7, इन दिस पार्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, द स्टेट, रियासत है क्या चीज, मीन्स द फेडरल गवर्नमेंट, आपकी टोटल फेडरल गवर्नमेंट की बात हो रही है, मजलिस शूरा पार्लियामेंट, ये हम सारे मेंबरान जो यहां पे मौजूद हैं स्टेट का हिस्सा है, स्टेट है, अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट, सूबाई हुकूमतें आपकी, सूबाई असेंबली, प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड सच लोकल और अदर अथॉरिटीज इन पाकिस्तान एज आर बाय लॉ एम्पावर्ड टू इम्पोज एनी टैक्स और सेस। आपकी तहसील म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन रियासत है, रियासत है वो, क्योंकि वो टैक्स इंपोज करती है, हम लोग स्टेट हैं। जनाब स्पीकर, मुझे बहसियत मेंबर कौमी असेंबली जो स्टेट का हिस्सा है और स्टेट है हम लोग, मुझे यहां पे जनाब स्पीकर FIA से नोटिस आ रहा है और मैं पढ़ के सुनाता हूं कि जनाब इंक्वायरी शुरू हुई है वजीर आजम इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट पे और उस पे इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं मुझे एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। बैरिस्टर गौर साहब को बुलाया गया, हमारे रऊफ हसन साहब को बुलाया गया और यहां पे इन्होंने कहा कि जी टू मे इंड्यूस और प्रोवोक एनीवन टू कमिट एन ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट और द स्टेट इंस्टीट्यूशंस और पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। ये मोहम्मद मुनीब जफर साहब है, सब इंस्पेक्टर FIA। जनाब स्पीकर, DG FIA को तो यहां पे बुला के उस अकल के अंधे आदमी से इंसान पूछे कि भाई तुम स्टेट के टूल हो, यू आर नॉट द स्टेट, स्टेट है तो पार्लियामेंट स्टेट है, यू आर नॉट द स्टेट, तुम स्टेट के टूल हो, तुम स्टेट के मुलाजिम हो, स्टेट है तो ये पार्लियामेंट है, ये सुप्रीम है, तुम सुप्रीम नहीं हो। जनाब स्पीकर, ये कैसे हमें ये लेटर्स लिख सकते हैं, हाउ डेयर दे, इनको मैंने नोटिस दिया है, लीगल नोटिस मेरे वकील जनाब डॉक्टर बाबर अवान साहब की तरफ से ये नोटिस उनको गया है और दे हैव दी ऑडेसिटी कि उन्होंने दूसरा नोटिस उठा के दिया है। इनके ये अकल के अंधे हैं, ये कोई बनाना रिपब्लिक है? वी कंडेम दिस जनाब स्पीकर, और आपसे ये रूलिंग चाहिए कि इस तरह की हतकामेज खतूत, इस तरह की ये गेस्टापो स्टेट टैक्टिक्स, ये खत्म हो, पाकिस्तान को आगे बढ़ना चाहिए। वी ओए टू आवर चिल्ड्रन, वी ओए टू पाकिस्तान, हमने अपने बेहतरीन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस बनाए हुए हैं। कल ये गवर्नमेंट ने वजीर आजम इमरान खान साहब के सेल के फोटोग्राफ दिखाए शो करने के लिए, वहां पे यूनाइटेड स्टेट्स में हो या कहीं पे भी हो, जिस तरह आपके मौत की कोठरी होती है सॉलिटरी कंफाइनमेंट, वो चीज रीएनफोर्स हुई है, हम लोग उसको कंडेम करते हैं। बुशरा बीबी साहिबा के पास कोई फैसिलिटीज नहीं है, वी कंडेम दिस। यास्मीन राशिद साहिबा हो गई, आपके हमारे मर्द हजरात हो गए, आप चले जाए आलिया हमजा साहिबा, आप वहां पे चले जाए सलम जावेद साहिबा, उनके पास रोपकार तैयार है, उनको रिलीज नहीं किया जा रहा, क्यों? क्योंकि जेल का सुपरिटेंडेंट और वहां पे SP जेल खाना जात कहते हैं जी मुझ पे ऊपर से प्रेशर है। वो कौन सा ऊपर से प्रेशर है?
We condemn all these things, Honorable Speaker. Bahut shukriya.